आज हम बनाने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग। हाँ दोस्तों, आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जिन लोगों ने पहले से हमें सब्सक्राइब लाइक किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। तो इसकी मैंने पहले कटिंग बताई, ये पार्ट वन हो गया, अभी पार्ट टू है। ओके, अभी से मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और एक पार्ट को हमें ले लेना है। कभी भी फोर टक्स की स्टिचिंग करते हो तो पहले हमें टक्स लगा लेना है। देख सकते हो इस तरीके से, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, थोड़ा आगे पीछे कर लेना है। अभी यहाँ पे भी हल्का सा टक्स लगाना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लगाते हो, यहाँ पे एकदम छोटा सा लगाना, ज्यादा भी बड़ा नहीं करना है, तो फिर अच्छा लगेगा नहीं ब्लाउज। तो यहाँ पे एकदम थोड़े से, ये जो बूट दिख रहा है इसके नाप से हमें सिलाई लगाते जाना है, आगे पीछे कर लेना है। अभी इसे भी सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम बराबर देख लेना है, कपड़ा क्रॉस में ना जाए, नहीं तो फिर ब्लाउज खराब हो जाएगा हमारा। आगे पीछे करने से क्या होता, सिलाई पक्की लग जाती है और हमारी सिलाई निकलती भी नहीं है। अभी मैं आपको देख के बता रही हूँ। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भी हमारी कटिंग लेनी होगी तो जो आप वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। देख सकते हो एकदम बढ़िया सा, यहाँ पे मैं आपको कप लगा के बता देती हूँ, यानी थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कितना बढ़िया सा हमारा फोर टक्स का जो कप कितना परफेक्ट आ गया है। ब्लाउज जब पहनेंगे तो इस तरीके से फिटिंग आती है, देख सकते हो इस तरीके से। अभी हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं, इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ और हल्के से यहाँ पे छटाई कर दी, आधा इंच से भी थोड़ा कम गोलाई कर लेना है बस, क्योंकि हमारी जो कटिंग होती है इसमें हमने थोड़ा मार्जिन ज़्यादा ही दिया होता है। अभी यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस पट्टी, इस तरीके से लगाना है क्रॉस पट्टी, हल्के से इसे क्रॉस में सिलते जाना है और कपड़ा थोड़ा भी यहाँ पे हमने खींचना नहीं है। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ये प्लेट, इसे हमें ऐसे हल्के से इसे फोल्ड कर लेना है, यानी इसमें प्लेट आएगी भी नहीं और कुछ भी नहीं, और टक्स भी हमारा बराबर आ आता है। और इसमें डबल सिलाई में मार लेती हूँ, तुरंत यहाँ पे हमने डबल सिलाई मार लेनी है और यहाँ पे ओवरलॉक कर लेना है। यदि ओवरलॉक की मशीन नहीं होगी, बाहर जाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊंगी, इसमें साइड में और किनारे में हमें सिलाई मार लेनी है, यानी कि ओवरलॉक की जरूरत भी होती नहीं, हमारे उतने ही दो पैसे बच जाते हैं। देख सकते हो इस तरह, और जो धागा दोरा हमें इसे कट कर लेना है, यानी फिनिशिंग भी बनी रहती है। अभी मैं आपको करके बता देती हूँ, और हाथों से इसे थोड़ा सा दबा लेना है, यानी ये फिनिशिंग बन जाती है। अभी आपको बताओ मैं कब डाल के देख सकते हो। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ी गड़बड़, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। इसे थोड़ा साइड कर लेती हूँ, मैं कप इसलिए डाल रही हूँ जब हम ब्लाउज पहनेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हल्के से हमें छटाई कर लेनी है स्टेट में, देख सकते हो अभी एकदम परफेक्ट आ गया ये। इस तरह दूसरा पार्ट भी सिल लेते सेम टू सेम। अब यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट सिल लिया है, अभी एक पार्ट को मैं साइड कर लेती हूँ। अभी आई पट्टी और ऊप पट्टी बता देती हूँ। अभी इसको हमें ऐसे रखना है, दो इंच की दूरी पे मैंने किया हुआ आई पट्टी ऊप पट्टी। अभी यहाँ पे हमें इसे करना है और इसे हल्के से यहाँ पे हमें प्लेट ले लेने हैं, देख सकते हो प्लेट। हवा बहुत आ रही ना, आवाज आता होगा दरवाजे का हमारा। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई मार दी है, यहाँ पे प्लेट लगानी है जहाँ पे हमारी एक क्रॉस पट्टी होती है, सेम सभी को इस तरीके से हमें करनी है। वो पट्टी जहाँ पे हमारी लगती है वहाँ पे इसे लब सिलाई मैंने मार ली है। अब इसे हम इसे कवर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा है कोई बात नहीं, इसे मैं हल्के से कट कर लेना है और यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना है और कॉर्नर में यहाँ पे सिलाई मारते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज सिलने का, खाली थोड़ा अंदाजा आना चाहिए कैसे सिलाई किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। देख सकते हो इस तरीके से,
है ना। अभी आपको आड़ा तेढ़ा दिख रहा है, इसमें बाद में फिनिशिंग भी होगी। अभी इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और ये वाले पार्ट को मैं ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे कपड़ा लेना है और नीचे अस्तर रखना है, इसके ऊपर हमें ब्लाउज रखना है। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेट सिलाई मारते जानी है, एकदम स्ट्रेट, दोरा निकल गया कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेट सिलाई मार लेनी है, यहाँ पे थोड़ी भी प्लेट हमें करनी नहीं है, इस तरीके से। अब इसको हल्के से कवर करना है और इसके जहाँ पे हमारी सिलाई थी वहाँ पे इसे अटैच करना है और कॉर्नर में सिलाई मारते जाना है। आधा इंच की दूरी पे कपड़ा बाहर निकालना है, कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई मारते जाना है। और यहाँ पे मैं डबल सिलाई और मार लेती हूँ, यानी हम लोग जो आई पट्टी ऊपर पट्टी आई पट्टी करेंगे ना तो ये लेवल आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है ये ज़्यादा थोड़ा अगड़म बगड़म लग रहा है, कोई बात नहीं, इसके भी हम लोग सोल्यूशन आपको बताए कि क्या करना है। अभी यहाँ पे तीन की हमें क्रॉस पट्टी परफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमने 3.5 लेना है। अभी ये 3.5 तो परफेक्ट है, ये थोड़ा ही हमें यहाँ पे कट कर लेना है सीधे में। अभी यहाँ पर हम देखेंगे 4 है तो हम यहाँ पे 4.5 ले लेते हैं और 2 का 13 सभी के लिए ये लागू है दोस्तों। सभी ने इस तरीके से नाप लेना है तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा और गला भी अच्छा आएगा नेक। अभी यहाँ पे हल्के से राउंड दे देती हूँ मैं गोल वाला सेप। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे हमने कट कर लेना है। यदि आपको गला बड़ा या छोटा चाहिए आपके हिसाब से कम या ज़्यादा गला नेक कर सकते हो। तो ये मिनिमम बराबर है 3.5 यानी 3 और ये 4.5, आधा इंच बढ़ाना है बस। अभी जैसे वैसे ही इसे हमें इसके ऊपर रख लेना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करना है। यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेना है, देख सकते हो यहाँ वहाँ पे कितना कम था यहाँ पे कितना ज़्यादा है, कोई बात नहीं इसे कट कर लेते हैं। अभी वहाँ पे हमने 2 लिया था तो यहाँ पे हम लोग 2.5 ले गए। अभी 2.5 इसलिए क्योंकि ये बढ़ गया ना इसलिए, तो यहाँ पे इसे लाइन दे देना है 2.5 पर और यहाँ पे सीधे पे लाइन दे देना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे भी हमने हल्का सा गोल वाला सेप दे देना है, ओके। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें कट कर लेना है, इतना भी चलता नहीं ब्लाउज के अंदर। अभी नाप देख लेते, एकदम परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट लग रहा है ये। अभी पीछे वाला पार्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे वाला पार्ट ले लेना है। अभी हम लोग 10 पॉइंट लगा लेते हैं इस तरीके से, आधा इंच की दूरी पे आधा इंच लेना है, पाव पाव इंच जितना, यानी दोनों तरफ आधा इंच आ जाता है। आगे पीछे कर लेना है, नाखून से इसे प्रेस कर लेना है, फिनिशिंग बन जाती है। अभी यहाँ पे हम लोग शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर कैसे कट किया जाता है, आधा इंच या थोड़ा सा कम में हम यहाँ पे क्रॉस में शोल्डर कट कर लेना इस तरीके से। अभी आगे का पार्ट भी कैसे कट कर लेते हैं वो भी बताते हैं। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम कट करना है क्रॉस में। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं इस तरीके से। हाँ दोस्तों, ये वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरी स्टिचिंग बता रहे हैं, तो आपने पूरा ही देखना है, बीच में भाग मत जाना, नहीं तो क्या होता है बीच में आप स्किप कर दोगे, फिर जैसे चाहिए फिर वैसे आपको टिप मिलेगी नहीं, फिर आप खुद ब्लाउज सिलोगे फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये हो गया है, आप देख सकते हो शोल्डर। अभी ये वाला पार्ट हमें ऐसे कर लेना है, इसे आगे नहीं इसे पीछे कर लेना है। अभी यहाँ पे पाइपिंग लगा लेते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट वाले कपड़े में पाइपिंग लगाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे ये साड़ी का कलर है इसलिए कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग लगा रहे हैं, तो इसे मैं हल्का सा पहले सिलाई मार लेती हूँ मैं कॉर्नर कॉर्नर में। कभी भी पाइपिंग लगाते समय कॉर्नर में सिलाई मार लेना है, कपड़ा नहीं रहता है तो हम लोग कभी कभी स्ट्रेट में भी पाइपिंग लगा लेते हैं तो अच्छी बैठ जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। आप प्रैक्टिस होगी तो अच्छी बैठ जाएगी, नहीं प्रैक्टिस होगी तो आपने हाथों से करनी है पहले सिलाई, बाद में मशीन की सिलाई मारनी है। तो इस तरह से मैं सारी सिलाई मार देती हूँ कॉर्नर कॉर्नर पर। अभी यहाँ पे पाइपिंग ले लेते कपड़ा और इसे
कॉर्नर कॉर्नर में पहला सॉरी पहले आगे पीछे करके जैसे वैसे सिलाई मारते जाना है। कपड़ा थोड़ा भी यहाँ पे हमें खींचना नहीं है, इस बात का ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेट में लगा रहे पाइपिंग, देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे मुझे दो या तीन प्रकार की पाइपिंग आती है दोस्तों, पर जो आपको जो इजी लगता है ना हमें तो वो मैं आपको सिखाती हूँ, जो हार्ड लगता है वो नहीं, क्योंकि टाइम चला जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। जो इजी होता है ना तो अच्छा लगता है और सिलने में भी मजा आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे मैं दबा लेती हूँ सुई को इस तरीके से। अभी यहाँ पे इसे घुमा लेना है और यहाँ पे भी इसे सीधे में सिलाई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई मार ली है। अभी जहाँ पे जो शेप दिख रहा है वहाँ पे हमने सिलाई को छोड़ के कट लगा लेना है आधा आधा इंच की दूरी पे, क्योंकि स्ट्रेट कपड़ा है ना इसलिए। यहाँ पे हमारा स्ट्रेट है वहाँ पे हमें करना नहीं है, और यहाँ पे राउंड शेप होता है ना वहाँ पे हमें कैची लगानी है। राउंड शेप है ना वहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, एकदम इजी और आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे भी सिलाई को छोड़ के करना है तो सिलाई निकल जाएगी, फिर सिलाई को पकड़ के कट करोगे तो ओके। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेना है। अभी यहाँ पे हमने पाइपिंग दोहरा लेना है, इस पे हम लगाएंगे जहाँ पे सिलाई होती है वहां पे इसे अटैच कर लेना है, इसके ऊपर से कपड़ा कवर कर लेना है, यानी कवर सिलाई लग जाती, लगेगी भी नहीं कि आपने पाइपिंग लगाई है, ऐसे लगेगी कि डायल की कपड़े पे पाइपिंग की एकदम पतली वाली। अभी यहाँ पे हमें सिलाई कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई लगा के जाना है एकदम कॉर्नर कॉर्नर में, और बहुत ही बढ़िया सी पाइपिंग बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। वीडियो आपको ये हमारा कैसे लगता है तो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप ज़्यादा लाइक करते हो ना हमें अच्छा लगता है, हमें समझ में आता है कि आप वीडियो पसंद करते हो और कमेंट भी करते हो ना। अभी कॉर्नर कॉर्नर में यहाँ पे सिलाई करते जाना है खाचे में। अभी आपको दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट मैंने पाइपिंग लगाई, आपको दिख भी रहा होगा कितनी बढ़िया से हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो रही है। और यहाँ पे अंदर से हमें दोरा भी लगाते जाना है इस तरीके से, एकदम पतली वाली पाइपिंग बन जाती है एकदम पतली, जितनी आप पतली चाहना चाहते हो उतनी ही बन जाती है, देख सकते हो एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें इसे करना है कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाना है। और हाँ दोस्तों, पहली बार लगा रहे हो ना पाइपिंग दोहरा कर रहे हो तो थोड़ा संभल के ही सिलाई करनी है, वो बड़ी वाली सिलाई ले लेनी है। अभी आपके हाथ में प्रैक्टिस हो जाएगी फिर छोटी वाली सिलाई करनी है, क्योंकि नहीं होते ना तो हम लोग पहले ही छोटी सिलाई कर देते फिर खराब हो जाती, फिर निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़ा भी खराब हो जाता है, फिनिशिंग भी चली जाती है। इसलिए पहली बार सिले तो जो हम लोग सिलाई करते ना तो 5 नंबर या 4 नंबर पे टाके पे ही हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, यानी पाइपिंग की। तो यहाँ पे अभी पॉइंट था ना, तो यहाँ पे हमने इसे दबा लेना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे सुई को घुमा लेती हूँ इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैंने हल्का सा सुई को घुमा भी लिया है, आप देख सकते हो एकदम ट्रायंगल शेप आ चुका है परफेक्ट, सॉरी ट्रायंगल इस चौकोर में। अभी इस तरीके से पाइपिंग हम पूरी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा ली, अभी मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा ब्लाउज को ऐसे कर लेती हूँ मैं, और जहां पे हमारी गोलाई इसे थोड़ा मैं दोरा दिख रहा है ना हल्के से, यहाँ पे सिलाई को छोड़ के गोलाई वहां पे हमें इसे कट लगाना है, यानी ये सीधी पाइपिंग है ना इसलिए हमें ये कट लगाना पड़ता है। क्रॉस वाली पाइपिंग होती तो वहां पे हमें कट लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको फिर पाइपिंग हमारी खड़ी नहीं हो जाती। आप ये कट नहीं लगाओगे ना तो पाइपिंग खड़ी हो जाएगी। इधर भी हमें कट लगा लेना है, गोल गोल आई है ना वहां पे सिलाई को छोड़ के। इस तरीके से ओके। अभी यहाँ पे हमें डबल सिलाई मार लेना, इसे हमें थोड़ा कवर कर लेना अंदर से, और डबल सिलाई मार लेना आगे पीछे कर लेती हूँ।
और इसी लाइन में हमें सिलाई आनी चाहिए, इसी लाइन में एक जैसी ही, आप देख एक जैसी लाइन में सिलाई आ रही है हमारी, आ रही टेढ़ी भी नहीं है कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है ना। हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारा गीता कुकिंग वर्ल्ड करके चैनल है, आप सब तो जैसे आप इसको देखते हो गीता लेक टेलर को, वैसे गीता कुकिंग वर्ल्ड को भी देखें। अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ और उसमें आपको कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। इस तरीके से मैं भी पूरी सिलाई सेम टू सेम मार लेनी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी पाइपिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा और ये कितना छोटा है ना, अभी वो कट कर लेते हैं। तो कपड़े को ऐसे रख लेना है हमें, तो यहाँ पे ऐसे रखना है। अभी यहाँ पे हमारी लेंथ देखनी 9-10 है, तो यहाँ पे हमें 9.5 ले लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें ऐसे कट करना है, आपको इतने में क्या होता है नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत भी कपड़ा बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि और की हमारी जो कटिंग होती है उसमें हमने बहुत सारा कपड़ा बढ़ाया होता है, पर ये फाइनल हमारी कटिंग होती है सिलते समय, तभी ब्लाउज हमारा एकदम परफेक्ट आता है फिटिंग के साथ, थोड़ा भी यहाँ पे फुगा वगैरह कुछ होता ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं कटिंग तो कर लेते, बाद में कट नहीं करते कि बाद में प्रॉब्लम आती ये क्या हो गया यार, है ना। मेरे सारे वीडियो में मैं इस तरीके से ही करती हूँ, इसमें कुछ मेरा नया नहीं है। आप एक बार मेरे तरीके से करके देखो फिर हमें कमेंट करें, सही में यार फिटिंग बहुत ही बढ़िया आ गई है। तो यहाँ पे अभी शोल्डर गिन लेते हैं, शोल्डर कितना है 3 है, तो 2.5 पे शोल्डर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना है इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ। बहुत ही कम है ना, चल जाता है। अभी वहां पे 9.5 लिया था, तो यहाँ पे भी हमें 9.5 ही लेना है, जितना आगे लिया उतना ही पीछे भी लेना है। ये भी एकदम परफेक्ट हो गया है, इसकी लेंथ बड़ी है ना इसलिए ब्लाउज की कम भी लेंथ होती है। आपको कम लेंथ चाहिए तो आप नीचे से ही कट करना है, ऊपर से इस तरीके से जो मैं कट कर रही हूँ ना उस तरीके से इसे कट कर लेना है और बराबर कपड़ा रखते जाना है, आगे पीछे थोड़ा भी कपड़ा होना नहीं चाहिए, एकदम संभाल के कर लेना है शोल्डर टू शोल्डर। और अभी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा देखना है, देख रहे हो इस तरीके से, अभी इसे भी हम इसे कट कर लेते हैं गोलाई में, देख रहे कितना ज्यादा कपड़ा निकल गया है और ब्लाउज हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है अच्छी तरह से एकदम स्ट्रेट। अभी स्लीव्स लगाएगी, अब यहाँ पे हम लोग स्लीव्स लगा लेते हैं बीच में से ही। यहाँ पे मैंने नॉचेस कर लिया है जहाँ पे हमारी शोल्डर होती है, इसे ऐसे रख लेना है बीच में से, और कभी भी शोल्डर अरे सॉरी स्लीव्स लगाने तो बीच में से ही लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। और यहाँ पे सिलाई करते समय सब कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है, यदि कपड़ा खींचोगे तो फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिटिंग में भी सॉरी फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिनिशिंग में नहीं, सिलाई अच्छी होगी तो फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी इस तरीके से। हाँ दोस्तों, ये सिंपल वाला ब्लाउज मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसे तो ये ब्लाउज आधे घंटे के अंदर ही हो जाता है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स के साथ में बता रही हूँ ना, इसलिए आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगता है तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करने में आप बहुत कंजूस करते हो ना, तो ये आप लाइक करें, लाइक करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे वीडियो में जो बता रही हूँ आपको वो समझ में आता है। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स हम लगा लेते हैं सेम टू सेम। अभी यहाँ पे डबल सिलाई भी मार देती हूँ। अभी हमें दोनों स्लीव्स मैंने लगा लिए, अभी इसे हमें इसे कवर कर लेते हैं एकदम बढ़िया स्टेट में, सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें पहले सीधे पे सिलाई लगानी है बाद में उल्टा करना है ब्लाउज को, ये हमारी कवर सिलाई बोला जाता है। हम लोग ब्लाउज पहन तो फिर ये चुभता नहीं है, नहीं तो फिर सिलाई चुभती है। कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई लगाते जाना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना है सिलाई को छोड़ के, तो दोनों तरफ सेम टू सेम सिलाई कर लेते हैं।
अभी अभी 1.5 इंच की मैंने पट्टी कट कर ली, अभी कमर पट्टी लगा लेते, इसे इसे कवर कर लेना है, बस सिलते जाना है। और जहाँ पे हमारी कंबर होती है, टक्स होता है, वहाँ पे हमें प्लेट लगाते जाना है इस तरीके से, चुनट। इसे ब्लाउज हमारा पीछे से आगे नहीं आता है, तो क्या होता है फिर अजीब सा लगता है। इसे फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, इसलिए ये कंपलसरी हमें सब ब्लाउज में करना है। जहाँ पे हमारी टक्स है वहाँ पे इसे प्लेट लेते जाना है, और सिर्फ 4 ही प्लेट लेना है। यानी देख सकते हो मैं आपको लेके बता रही हूँ, एक तो टक्स पे और एक कंबर पे। अभी यहाँ पे स्टेट जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, इसके हमें इसे कवर कर लेना है आगे पीछे। अभी यहाँ पे हमने लब सिलाई मार लेनी है कॉर्नर कॉर्नर पे, तो सीधी सिलाई मार लेते हैं। अब यहाँ पे लब सिलाई मार ले, अभी इसे इसे फोल्ड करके कवर कर लेना है अंदर के साइड, यानी सिलाई हमारी दिखे ना। और हाँ, तो यहाँ पे आप हाथ सिलाई करना चाहते हो तो हाथ सिलाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो सिलाई भी मार सकते हो। तो बड़ी वाली सिलाई मारनी है यहाँ पे, हाथ सिलाई करते समय बड़ी वाली नहीं मारनी तो कोई बात नहीं, हमारी जो नॉर्मल हम लोग सिलाई मारते हैं वैसे भी आप सिलाई इसमें मार सकते हो। इस तरीके से फोल्ड करके पूरी सिलाई में मार लेती हूँ। अभी यहाँ पे कमर की पूरी सिलाई मैंने मार ली, अभी यहाँ पे कॉर्नर देखना है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे भी एक हल्की सी कॉर्नर सिलाई मार लेती हूँ मैं कॉर्नर कॉर्नर पे, यानी सिलाई जो हमने अंदर लगाई थी वो दब जाए। अच्छी तरह से देख लेना है और इसे फिनिशिंग भी करते जाना है। देख सकते हो कॉर्नर वाली, कि अभी इसके बाद में हमारी फिटिंग वाली सिलाई होगी। इस तरह के हाथों से प्रेस करते जाना है, या बड़ी छोटी सिलाई होती ना वो अंदर से दब जाती है, इसे कहते हैं कवर सिलाई। तो इस तरीके से दूसरी भी मारना है सेम टू सेम, इसको ऐसे कर लेना है। मैं आपको लेके बता देती हूँ एक बार फिर से। अभी ये इसके बाद फिटिंग होगी, जो सभी को प्रॉब्लम आती है फिटिंग कैसे की जाती है, बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें कॉर्नर में सिलाई मैंने मार ली है, अभी फिटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे 9/36 की हमारी ब्लाउज थी, तो यहाँ पे 9 लेना है, कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है, 9। और यहाँ पे हमारी कमर है 7.5 है, और आगे की गोलाई हमारी है 5.5। अभी यहाँ पे हमें इसे करना है स्ट्रेट लाइन, और इसको हमें इसे कवर कर लेना है। ओके, अभी यहाँ पे जैसे है वैसे सिलाई मारते जाना है, जहाँ पे मैंने चौक किया था वहाँ पे सिलाई मारते जाना है। अभी जहाँ पे हमारी मार्जिन है इसकी, तो यहाँ पे से हमें सिलाई करते जाना है आगे पीछे। और एक डबल सिलाई में मार लेती हूँ, अब यहाँ पे 9 लिया था तो यहाँ पे हम ले गए 9.5, देख सकते हो, और यहाँ पे ले गए 8, और यहाँ पे जैसे है वैसे 5.5। अभी इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। हाँ दोस्तों, आपको स्केल से जमा तो स्केल से करना, या मेजर, ये मैं अभी मुझे इसमें जमता है इसलिए मैं इससे ही कर लेती हूँ। अभी सिलाई लगा लेती हूँ, तो जहाँ पे मैंने मार्जिन की थी वहाँ से ही सिलाई स्टार्ट करनी है। ये हमारी है फिटिंग, देख लो ब्लाउज भी आगे पीछे थोड़ा भी हुआ नहीं, और परफेक्ट हमारी फिटिंग आ गई है। इसे भी एक दो सिलाई में मार लेती हूँ एक्स्ट्रा वाली। अभी यहाँ पे हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है, आप देख सकते एकदम बढ़िया सा। मैं आपको घड़ी करके बता देती हूँ इस तरीके से,
एकदम बढ़िया सा हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है, घड़ी भी अच्छी आ गई है, ब्लाउज भी आगे पीछे थोड़ा भी हुआ नहीं और कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया देख सकते हो एकदम रिजल्ट आपके सामने। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसे लगता तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।